बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं उन तमाम नए यूट्यूबर्स को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो शॉर्ट वीडियोस हैं ये आपके लिए बहुत ही मुफीद हैं। चाहे इस वक्त अर्निंग इसमें कम है या ना होने के बराबर है, लेकिन आप मुतमिन रहें, आने वाले वक्तों में यूट्यूब इसमें अपडेट लेके आएगा, उसको अपडेट लानी ही पड़ेगी। आप बेफिक्र होकर इस पर काम करें, क्योंकि इस वक्त एक तो रुझान लोगों का बहुत कम हो गया है शॉर्ट वीडियोस पर, तो आप जबकि इस वक्त में जब बाकी तमाम लोग शॉर्ट वीडियो से हट चुके हैं, अगर आप इस चीज़ पे काम करेंगे तो आपका चैनल बाकियों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके 1000 सब्सक्राइबर जल्द अगर आप चाहते हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स 1000 सब्सक्राइबर जल्द अज जल्द पूरे हो जाएँ, तो आपको शुरू में शॉर्ट वीडियोस पर ही फोकस करना चाहिए। लेकिन काम आप प्लानिंग के साथ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अपने चैनल का नाम सेलेक्ट करते हैं तो उस वक्त बहुत ही ध्यान से और एहतियात से नाम सेलेक्ट करें। आपको पता होना चाहिए कि जो आप चैनल बनाने जा रहे हैं वो किस टॉपिक के ऊपर है। जब आपको अपने टॉपिक का पता होगा कि मैंने इस टॉपिक पर इस चैनल को लेके जाना है, तो जाहिर सी बात है कि आप कोशिश करें कि जो आप शॉर्ट वीडियोस देंगे अपने उसी टॉपिक के मुताबिक ही रखें। उसको उससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी ऑडियंस होगी वो आपके टॉपिक के मुताबिक ही आपके चैनल पर आएगी। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि फिर आपका चैनल कभी भी डेड नहीं होगा। चाहे वो ऑडियंस शॉर्ट वीडियोस की होंगी, लेकिन वो फिर भी आपके वीडियोस के साथ उनका इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए मैं अपने ऑडियंस को ये मैसेज देता हूँ, मैंने भी ऐसे ही अपने चैनल्स पर सब्सक्राइबर्स को बढ़ाया है, तो आप भी इस मेथड को अपनाते हुए अपने चैनल को जितना जल्द हो सकता है वो ग्रो करवा लें। क्योंकि जब यूट्यूब शॉर्ट्स की अपडेट आएगी उसके बाद हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा वो कमी पेशी हो जाए, इसलिए अभी आपके पास टाइम है। आप अभी अगर इसी चीज़ पे काम करते हैं तो आप इसे ये अपना जो शुरू का सफ़र है इसको आसान और तेज तरीन बना सकते हैं। यही वायद एक तरीका है जो अब तक मैंने जितने भी वो मुख्तलिफ मेथड्स या ट्रिक्स देखे हैं, सुने हैं, आजमाए हैं, उनमें से मुझे सिर्फ शॉर्ट वीडियोज़ को अपलोड करने का ही मेथड ऐसा लगा है कि जो लीगल भी है, नेचुरल भी है और ऑर्गेनिक भी है। इससे आपका चैनल के डेड होने के खतरात भी बहुत कम हो जाते हैं और यूट्यूब की तरफ से कोई आपको पेनल्टी भी डालने का खतरा ना होने के बराबर होता है। इसलिए मैं अपने तमाम व्यूवर्स को ये पैगाम देता हूँ कि शुरू में आप अपने चैनल पर अपने चैनल के टॉपिक के मुताबिक शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करते रहें। शॉर्ट वीडियोस भी आप बाकायदगी से अपलोड करें, अपने काम में कांस्टेंट रहें और कोशिश करें कि आपकी पहली हर दूसरी वीडियो पहली वीडियो से क्वालिटी में बेहतर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मैसेज में इसका रिस्पांस ज़रूर दे दिया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी, ताकि मैं आपके लिए नई से नई चीज़ें लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।